दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कल हमने लंदन पोएम पढ़ी थी विलियम ब्लेक की, उसी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैं आप पेश कर रहा हूँ आपके सामने। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स में, है ना। और बाकी मैं इसके नोट्स आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग। फिलहाल पहले इसको समझो जरूर। डाउनलोड तो आप नेट मतलब कर ही लोगे नोट्स तो लिंक के थ्रू, परंतु इसको समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, ये भी आपके लिए आवश्यक है। समझ गए ना? तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आप पूरा ये वीडियो देखो, पहले समझो ये, फिर याद कर लेना वो नोट्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा विलियम ब्लेक का इंट्रोडक्शन देंगे, इस पोएम का इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई जो लंदन है वो सबसे फेमस पोएम्स में से एक है विलियम ब्लेक की, और ये लगभग लगभग 1789 टू 1794 के बीच में लिखी गई थी, जो कि पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पहली बार 1794 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। और ये एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियों को दर्शाती है ये, वो भी लंदन की परिस्थितियों की, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर मतलब दौरान, क्योंकि जब फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हो गई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड, तो एट दैट टाइम इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कुड बी सीन इन द लंदन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के असर लंदन में भी, मतलब उसके क्या इफेक्ट्स थे वो भी लंदन में नजर आ रहे थे। तो ये दिखाता है एक्चुअल में कैसी कंडीशन हो गई थी वहाँ के लोअर स्टेटा, जो लोअर तबका के लोग थे ना, जो सोसाइटी के जो लोअर लेवल के जो लोग कह सकते हो, मतलब कहने का मतलब जो लोअर लेवल ऑफ लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों की कंडीशन क्या हो गई थी, और डेस्पोटिक बिहेवियर किस तरह का था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तानाशाह हो गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट पड़े लंदन की सोसाइटी पर, लोग वैसे ही विद्रोह करने लग जाए, इसलिए उन्होंने ऐसे कानून बनाने लग गए थे जिन कानूनों में आपको अपने विचार रखने की मतलब फ्रीडम नहीं थी, आप पे हर तरह की रोक लगाई जा रही थी, सोचने समझने बोलने की फ्रीडम नहीं थी, उन सब पे रोक लगाई जा रही थी नए नए कानून बना के। तो गवर्नमेंट का बिहेवियर कैसा हो गया था, डेस्पोटिक हो गया था, बोल सकते हैं मतलब तानाशाह जैसा हो गया था। सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम लोग, है ना। सेंट्रल आइडिया लंदन पोएम जो है ना, वो बेसिकली इस चीज पे सेंट्रलाइज्ड है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कंडीशन कैसी हो गई थी लंदन सिटी में, ये दर्शाता है। डेपिक्ट इट शोज, क्या शो करती है, पीपल वर सफरिंग, कि लोग सफर कर रहे थे डेस्पोटिक रूल के अंडर में, और जो गवर्नमेंट थी वो नए नए तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी लोगों की लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पर। ठीक है, चिल्ड्रन जो चिमनी स्वीपर्स, क्योंकि चिमनी स्वीपर्स ज्यादातर बच्चे होते थे, तो जो चिल्ड्रन थे चिमनी स्वीपर्स वाले बच्चे, और साथ में हार्ड लॉर्ड्स यानी प्रोस्टिट्यूट थे, उनका बहुत एक्सप्लोटेशन हो रहा था। चर्च जैसी संस्था, चर्च जैसे इंस्टीट्यूशन गलत कामों में लिप्त हो रहे थे, है ना। वो एक्चुअली ऐसे कह सकते हो कि लोगों से पैसे ले रहे हैं, बल्कि कन्फेशन के लिए, मतलब धार्मिक काम के भी वो बहुत अंधाधुंध पैसे लूट रहे थे। और जो लोग थे ना वो इंटेलेक्चुअली चेन डाउन हो रहे थे, मतलब लोग सोचने समझने की शक्ति खोते जा रहे थे, वो बांधे जा रहे थे सरकार के द्वारा, और लोग खुद की थिंकिंग, मैंने समझाते वक्त जब पोएम समझाई थी तब भी आप लोगों को बताया था कि लोग खुद भी ऐसी ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं कि उन्होंने खुद के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चेन्स बना ली दिमाग में, खुद को मतलब बंधनों में बांध लिया, उन चेन्स में बांध लिया। तो वो आपको मैंने पोएम पढ़ाते वक्त समझाया था कि कैसे, उदाहरण भी दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो चर्च गलत कामों में लिप्त था, लोग इंटेलेक्चुअली चेन डाउन हो गए थे, मतलब वो बंधे हुए थे, उनको सोचने समझने की शक्ति रही नहीं उनके अंदर, उनको इस लायक ही नहीं छोड़ा, सरकार ने भी नहीं छोड़ा, और लोगों ने खुद ने भी खुद के ऊपर ही ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी अपनी खुद की धारणाओं की वजह से। ठीक है, थीम्स क्या क्या है, थीम्स है डिग्रेडेशन ऑफ लाइफ, लाइफ का पतन हो रहा था, क्योंकि तो बिल्कुल साफ साफ रियलिटी दिखाई जाती है मतलब इस पोएम में, कि उन टाइम में लंदन की क्या कंडीशन थी, जो कॉमन पीपल थे, आम जनता थी ना, वो एक्चुअल में बहुत ही लो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रही थी। ये आम जनता की बात हो रही थी, जो हायर सोसाइटी की बात नहीं हो रही है ना। जो पोएट है ना वो एक्चुअल में खुद का ऑब्जर्वेशन रखता है वो, क्योंकि पूरी पोएम में दर्शाता है कि मैं गलियों को देख रहा हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ तो मुझे ऐसे हर जगह मुझे क्या नजर आ रहा है, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो, हर जगह मुझे कमजोरी नजर आ रही है लोगों के चेहरों पे, लोग दुखी नजर आ रहे हैं मुझे। तो बेसिकली वो खुद का व्यू पॉइंट रख रहा है, जो उसे नजर आ रहा है सोसाइटी में क्या चल रहा है, लंदन में क्या चल रहा है। वो चिमनी स्वीपर जो चिल्ड्रन है वो कितने परेशान है, हार लॉर्ड्स प्रोस्टिट्यूट बहुत ज्यादा परेशान है, ये सब लोग बड़े परेशान है, और लोग इंटेलेक्चुअली इम्प्रिजेंड हो गए हैं, उन सोचने समझने की शक्ति लोगों की चली गई है, वो एक तरीके से ऐसे हो गए हैं, उनकी बौद्धिकता जेल में डाल दी गई एक तरीके से, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि उनमें उनको लॉज बना के वो अपने एक्सप्रेशन, अपने व्यूज रख नहीं सकते सोसाइटी में ओपनली। क्यों? क्योंकि लॉज ऐसे बना दिए कि आप भाई सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, या फिर आप ऐसे व्यूज अपने सामने नहीं रख सकते जो सरकार के अगेंस्ट में जाए। तो लोग इंटेलेक्चुअली इम्प्रिजेंड हो गए, करप्शन सब जगह था, इंस्टीट्यूशन चर्च जैसी संस्थाएं करप्शन में डूबी हुई थी। ठीक है, और तो ये चीज, ये एक बहुत बढ़िया थीम रहेगी इसमें। और साथ में क्योंकि जो चर्च था ना वो क्या करता था,
आपकी आत्मा के शुद्धिकरण, मतलब कहने का मतलब वो काम जो चर्च के हैं, कैसे कि लोगों की कन्फेशन सुनना या फिर लोगों को पश्चाताप हो रहा है किस चीज पे, तो उसका मतलब एक तरह से रिलीजियस सॉल्यूशन निकालना। तो वो काम के लिए भी वो पैसे मांग रहे थे, बहुत ज्यादा लूट रहे थे लोगों को, और साथ में टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन पब्लिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक वाज हिंडर्ड बाय देम अलोंग विद द रूलर। और लोगों पे कंट्रोल रखने के लिए लोगों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो वैसे ही बाधित हो रहा था, इट वॉज गेटिंग हिंडर्ड हिंडर्ड बिकॉज रूलर्स वर मेकिंग सच लॉज, कि रूलर्स ऐसे लॉज बना रहे थे जिससे लोग इंटेलेक्चुअली एम्पावर नहीं हो पाए। बट इस चीज में चर्च का भी प्रॉपर योगदान था। ठीक है, टायरनी, देखो टर्म चार्टर्ड, चार्टर्ड जो टर्म है ना वो दर्शाती है किस तरह से लोगों की जिंदगी थी ना, वो ऐसे कानून, ऐसे तानाशाही कानून से बांधी गई थी एक तरीके से। सोल्जर्स हेल्पलेस थे, सोल्जर्स हेल्पलेस अनफॉर्चुनेट थे, क्योंकि बिकॉज दे वर फोर्स टू फाइट ऐसे वॉर्स, और ऐसे वॉर्स मतलब फाइट करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था जो कि अनावश्यक थे, अननेसेसरी थे, उन वॉर्स की जरूरत नहीं, परंतु फिर भी राजा ऐसे वॉर्स लड़वा रहा है तो उसमें उनकी जान जा रही है सोल्जर्स की। तो ये तानाशाही है राजा की, मतलब उस वक्त रूलर्स की तानाशाही थी, और वो तानाशाही क्यों हो रहे थे इतने, फ्रेंच रिवोल्यूशन को दबाने के लिए, उसके असर सोसाइटी में नजर नहीं आए। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी है, देखो मेटाफर, जैसे जो लाइन है ना द माइंड फोर्ज्ड मैनेकल्स आई हियर, इसमें मेटाफर है क्योंकि यहाँ पे ये माइंड फोर्ज्ड मैनेकल्स जो है ना ये मेंटल चेन्स के लिए है, कि लोगों के द्वारा बनाई गई बेड़ियां एक्चुअली लोगों ने खुद के लिए बेड़ियां बना ली है, उसके लिए एक ये मेटाफर इस्तेमाल किया गया कि लोग ऐसी ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी धारणाओं से जुड़े हुए हैं कि वो फ्रीली अपने व्यू पॉइंट रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यू पॉइंट रखेंगे तो वो जिन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं उस आइडियोलॉजी के जो बड़े लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे उनसे। तो कुल मिला के लोगों ने खुद के लिए चेन, खुद को ही चेनों में बांध रखा है एक तरीके से। तो ये मेटाफर है, ये माइंड फोर्स मैनेकल्स मेंटल चेन्स का के लिए मेटाफर है, कंपैरिजन है मतलब इन दोनों का सीधा सीधा। एनाफोरा, एनाफोरा में क्या होता है कि एक वर्ड का लगातार रिपीटेशन हो रहा है, जैसे यहाँ इन एवरी लगातार रिपीटेशन हो रहा है, वो भी लाइन की स्टार्टिंग में हो रहा है, तो ये एनाफोरा हो गया। इस तरह के रिपीटेशन को, इस तरह का रिपीटेशन एक तो जोर देने के लिए काम आता है किसी चीज पे, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, साथ में ये एक रिदमिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है पोएम के अंदर। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिकरण, मानवीकरण, जो लास्ट लाइन है ना पोएम की, देखना उसमें मैरिज शब्द है ना उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसको इस तरीके से दिखाया गया है जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हुई हो, मैरिज की शवयात्रा निकल रही हो, जैसे मतलब कहने का मतलब कोई इंसान की शवयात्रा निकलती है ना, उस तरीके से मैरिज की शवयात्रा निकलते हुए दिखाया गया, तो एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन हो गया है मैरिज का। ठीक, अब आगे देखते हैं सिनेकडकी। सिनेकडकी क्या है, देखो जो एक लाइन आती है एवरी फेस इन द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम, पोएम की जो तीसरी लाइन है ना उसमें एवरी फेस एक टर्म आती है, एक फ्रेज आता है, इसमें सिनेकडकी यूज हुआ है। सिनेकडकी कैसे यूज हुआ है, क्योंकि बेसिकली मैंने क्या समझाया था आपको पोएम पढ़ाते वक्त की है ना, सिनेकडकी अगर इंसान की बॉडी से रिलेटेड मतलब कोई भी पार्ट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी इंसान को दर्शाने के लिए, तो वो सिनेकडकी, जैसे फेस, फेस का इस्तेमाल किया जा रहा है एक पूरे इंसान को संबोधित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे सिनेकडकी हो गया। और मेटोनमी होता है इसे थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे लाइन है ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, मेटोनमी क्या होता है, एक व्यक्ति से संबंधित कोई चीज बहुत क्लोजली रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा सिंहासन, क्राउन, ताज बोलेगा या फिर सिंहासन बोलेगा, तो वो किससे संबंधित है, राजा, राजा से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कोई बोलेगा व्हाइट हाउस, वो किससे संबंधित है, अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो ये मेटोनमी हो गया। मेटोनमी में वो चीज क्लोजली रिलेटेड होती है परंतु बॉडी का हिस्सा नहीं होती, और सिनेकडकी में बॉडी का ही एक पार्ट है जो कि पूरे इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए दर्शाया जाता है, मतलब यूज किया जाता है, तो ये सिनेकडकी हो गया। ये मेटोनमी, मेटोनमी में ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, यहाँ पे जो ये पैलेस वॉल्स है ना ये एक्चुअली रूलर को, जो रूलर है ना गवर्नमेंट है उसको दर्शाने के लिए, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन में यूज किया गया है, तो ये मेटोन में हो गया कि पैलेस वॉल्स जो है ना वो एक्चुअल में पैलेस वॉल्स पे खून बह रहा है, तो वो खून बह रहा है ना वो क्या दर्शा रहा है कि राजा की नीति इस तरह की है कि वो अननेसेसरी वॉर कर रहा है, तो वो जो खून है वो राजा के हाथों से बह रहा है एक तरीके से, क्योंकि राजा ही ऐसे काम करवा रहा है, तो ये मेटोन में हो गया। अर्बन लाइफ, देखो पोएम क्लियरली इस बात का उदाहरण है कि अर्बन लाइफ किस तरीके से सफर कर रही थी उस दौरान, क्योंकि उस दौरान एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था और साथ में फ्रेंच रिवोल्यूशन भी चल रहा था, दो 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 रिवोल्यूशन चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो स्टार्टिंग स्टेज में था और फ्रेंच रिवोल्यूशन उस वक्त चल रहा था, तो इन दोनों का असर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में लोग गाँव से शहरों में आए, सिटीज में आए, और कंडीशन सिटीज की बहुत खराब हो गई क्योंकि सिटीज इतने लोगों को झेल ही नहीं पाए, तो लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पूरी पूरी गिर गई है ना,
ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बहुत नेगेटिव इफेक्ट थे और फ्रेंच रिवोल्यूशन का असर तो था ही इधर, तो इस वजह से जो लंदन की कंडीशन थी वो बहुत बुरी हो गई थी। और वही चीज़ एक्चुअल में लंदन की नहीं, पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो थे ना उन सभी की कंडीशन बहुत खराब थी, और जो कॉलोनीज इन यूरोपियन कंट्रीज की जो कॉलोनीज भी थी ना उनकी कंडीशन भी बहुत खराब थी, क्योंकि सब जगह ये असर दिख रहा था, एक तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। ठीक है, स्ट्रक्चर और राइम स्कीम। पोएम में चार क्वाट्रेन से, क्वाट्रेन मतलब चार लाइन की जो स्टेंजा होते हैं उनको क्वाट्रेन बोलते हैं, तो चार क्वाट्रेन है और राइम स्कीम ए बी ए बी है। मैं दिखा देता हूँ राइम स्कीम ए बी बी कैसे है आपको, राइम स्कीम समझाता हूँ। देखो राइम स्कीम क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, राइम स्कीम के लिए यानी तुकबंदी, लाइन का आखिरी वर्ड देखो, चार्टर्ड स्ट्रीट, स्ट्रीट को हम देंगे ए। ठीक है, फ्लो, क्या स्ट्रीट और फ्लो की तुकबंदी बैठ रही है, नहीं बैठ रही, बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको बी देंगे। मीट, क्या मीट की किसी से बैठ रही है तुकबंदी, मीट फ्लो नहीं बैठ रही, मीट स्ट्रीट, हाँ स्ट्रीट से बैठ रही है, स्ट्रीट मीट, तो इसको भी ए देंगे क्योंकि इसको ए दिया था। ठीक है, वो, क्या वो की किसी से बैठ रही है, मीट फ्लो, वो और फ्लो इनकी, तो इसको बी दिया था, इसको भी बी देंगे, तो क्या हो गया ए बी ए बी, पहले स्टेंजा की ये हो गई। अब देखो मैन फियर बैन हियर, मैन तो बैन के साथ में और फियर हियर के साथ में, वही सेम ए बी और ए बी, मतलब कहने को मतलब है, अब जब है ना सेम ही पैटर्न चलता रहे हर स्टेंजा में, तो हम केवल चार वर्ड ये ए बी ए बी करके पूरा इसको शो कर सकते हैं कि भाई इसमें ए बी पैटर्न यूज किया गया है। अब मान लो देखो इसमें बोलने को तो हम इसको सी डी और सी डी भी बोल सकते हैं, इसको ई एफ और ई और एफ भी बोल सकते हैं, परंतु इतना जी एच क्यों लिखें, क्योंकि पैटर्न तो वही है ए बी ए बी वाला है, सेम वही पैटर्न चल रहा है, इसलिए केवल ए बी लिख के भी काम चल जाएगा कि इसका इसकी राइम स्कीम क्या है ए बी पूरा ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी 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 एच जी एच, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चेंज हो ना पैटर्न में तो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग, ये तो अपना हो गया क्या राइम स्कीम, समझ में आई हो, आ गई होगी आई होप आप लोगों को, है ना। तो ये अपना क्रिटिकल एप्रिशन स्कीम, मैं पीडीएफ फाइल तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करें आप लोग, और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।